Hello friend, I am Avinash and you are watching my channel Live for Physical Education. Today I will be covering an important topic of class 11 first chapter, that is career option in physical education. Physical education में क्या कौन कौन से career हो सकते हैं? बहुत सारे career होते हैं friends physical education में. जब आप आगे 12th pass करोगे, graduation के बाद bachelor degree या master degree करोगे, बहुत सारे आपको options मिल जाते हैं एज अ कैरियर चूज़ करने के लिए फिज़िकल एजुकेशन में. तो यहाँ पे पांच यहाँ पे मेंशन करें हैं, जो पांच कैरियर्स हैं: इन टीचिंग सेक्टर, इन ट्रेनिंग सेक्टर दैट इज़ कोचिंग, इन हेल्थ फिटनेस रिलेटेड सेक्टर, इन परफॉर्मेंस रिलेटेड सेक्टर, इन मीडिया सेक्टर. तो ये पांच आपके सामने कैरियर्स यहाँ पे फिज़िकल एजुकेशन के लिए मिलते हैं. अब टीचिंग में मतलब जहाँ पे आप जो टीचर्स पढ़ा सकते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, किसी भी चीज़ में हो. तो टीचिंग लेवल में देख सकते हैं आप एट प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल, सेकेंडरी लेवल, ये तो हो गया आपका स्कूल लेवल तक के लिए. एट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल, टीचिंग एट अदर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनमें आप टीचिंग में भी कैरियर बना सकते हो. देन अगर आप कोचिंग सेक्टर में आ जाओ तो इन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में आप एज अ कोच लग सकते हो. इन वेरियस स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन, जो स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पे भी आप कोचेस लग सकते हो. इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन, इंडस्ट्रीज़ में भी स्पोर्ट्स के लिए आजकल बहुत कुछ होता है, तो वहाँ पे आप एज अ कोच लग सकते हो. स्पोर्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन में भी. देन बात करते हैं हम हेल्थ रिलेटेड फिटनेस की. स्पोर्ट फिटनेस आप बन सकते हो इससे, और स्पोर्ट्स डाइटिशियन भी बन सकते हो. आप क्या क्या डाइट होनी चाहिए स्पोर्ट्स के लिए. स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जैसे पता है साइकोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. देन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन भी बन सकते हो आप एज अ इन एथलेटिक ट्रेनर, जिम में बन सकते हो, जिम ट्रेनर बन सकते हो, या हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री, उसमें भी आप जा सकते हो. इन परफॉर्मेंस रिलेटेड जहाँ पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देता है. आप कहाँ पे देगा, ये तो प्लेयर बन जाएगा तो वहाँ पे परफॉर्मेंस दे सकते हैं वो. स्पोर्ट्स प्लानिंग ऑफिसर या स्पोर्ट्स ऑफिसर जो होते हैं. देन कोचेज बन सकते हैं वो. रिक्रिएशन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में जा सकते हैं. देन इन मीडिया सेक्टर, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, बुक ऑथर, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग, जब ब्रॉडकास्ट करते हैं स्पोर्ट्स के चैनल को, स्पोर्ट्स को एडवर्टाइज़ करना, गेम्स को या फिर उसके इक्विपमेंट्स को, और किसमें भी जा सकते हैं आप, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में. तो ये डिफरेंट सेक्टर्स हैं इसमें. तो इसको मैं अभी थोड़ा आगे आपको डिटेल में भी बताऊँगा कि कैसे ये इस डिस्क्रिप्शन में क्या है क्या नहीं है. तो पहले हम बात करते हैं टीचिंग सेक्टर की. अगर हम बात करें टीचिंग सेक्टर की, तो हमने अभी देखा यहाँ पे एलिमेंट्री स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे यहाँ पे आपको टीचिंग करने के लिए मिल सकती है. अब गाइस पहले एलिमेंट्री की बात करते हैं. एलिमेंट्री स्कूल मतलब जहाँ पे छोटे बच्चों का होता है. तो स्कूल में आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के साथ स्पेशली कोई फिज़िकल एजुकेशन टीचर नहीं रखते हैं. उनकी जो मदर टीचर होती हैं या सब्जेक्ट टीचर होती हैं, वो ही उसको एज अ फिज़िकल एक्टिविटीज़ उनको कराते हैं. तो ये देखा जाए, अगर फर्स्ट सेकंड के बच्चों को देखोगे आप, तो उनकी जो क्लास टीचर्स होती हैं या सब्जेक्ट टीचर, वही उनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं. उनके लिए स्पेशल कोई फिज़िकल एजुकेशन टीचर या स्पोर्ट्स टीचर नहीं होता है. तो गाइस दिस इज़ द मेन ड्रॉबैक इन इंडिया. अगर इंडिया में यही एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम क्यों स्पोर्ट्स में आगे नहीं है, क्योंकि बेस होता है वो बच्चों का स्टार्टिंग से ही बनता है. तो अगर आप किसी फॉरेन कंट्रीज में जाओगे तो वहाँ पे छोटे बच्चों के लिए भी स्पेशल फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, टीचर होता है या स्पोर्ट्स टीचर वहाँ पे होते हैं. अगर आप किसी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाओगे तो वहाँ पे आपको ये बिल्कुल मिलेगा. तो अगर हम देखा जाए, तो अगर इंडिया में देखें हम फिज़िकल एजुकेशन में, छोटे एलिमेंट्री स्कूल में उनका स्कोप थोड़ा कम है. बात करते हैं हम एलिमेंट्री में. तो एलिमेंट्री में क्या होता है कि छोटे बच्चों के लिए जैसे कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं फिज़िकल एजुकेशन के, जिसमें रनिंग करते हैं वो, जंपिंग करना सीखते हैं, क्लाइंबिंग करना, थ्रोइंग करना, कैचिंग, किकिंग, स्ट्राइकिंग, ये थोड़े बेसिक मूवमेंट्स हैं जो हमारे क्या हैं, छोटे बच्चों के मोटर मूवमेंट्स हैं. तो ये वो छोटे एज में ही सीख सकते हैं, जो वो फर्स्ट सेकंड या छोटी क्लास में होते हैं या थर्ड फोर्थ में होते हैं, वो इस टाइम यही सब सीखते हैं, किकिंग करना, कैचिंग करना, थ्रोइंग करना, क्लाइंबिंग, जंपिंग, रनिंग. तो इसमें अगर हम देखें स्कोप एज ए फिज़िकल एजुकेशन का, तो थोड़ा बहुत कम है. अब हम बात करते हैं मिडिल स्कूल की. मिडिल स्कूल की बात करते हैं हम, 6th, 7th, 8th में आ जाओ. वहाँ पे क्या होता है कि बड़ी सिटीज़ में, जो मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पे एज अ थ्योरी सब्जेक्ट है ये. अगर हम फिज़िकल एजुकेशन की बात करें, एज अ थ्योरी सब्जेक्ट ये इन्वॉल्व है 6th, 7th, 8th में, अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें. बट अगर आप वहीं गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे,
तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। इवन गवर्नमेंट स्कूल में अगर कि कोई किसी फिजिकल एजुकेशन टीचर लग गया तो उसको गेम्स के साथ साथ कोई एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी पढ़ाना पड़ता है इन गवर्नमेंट में, मैथ्स या हिंदी ऐसे कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ता है। बट गवर्नमेंट में थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अब किसी सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में यहाँ पे एज अ फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट आ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि मिडिल स्कूल में भी एक थोड़ा लेवल कम है जॉब अपॉर्चुनिटी का। देन अगर हम हाई स्कूल की बात करते हैं तो हाई स्कूल में भी ऑप्शन है। हम हाई स्कूल की बात करें तो हाई स्कूल में भी क्या होता है कि थ्योरी एज अ सब्जेक्ट प्राइवेट स्कूल्स में है अच्छी सिटीज़ में, और उनका जो गेम्स के लिए भी टीचर्स होते हैं वो एज अ फिज़िकल एजुकेशन टीचर ही होते हैं या स्पोर्ट्स टीचर होते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल में भी जाओगे वहाँ हाई स्कूल के लिए भी एक स्पोर्ट्स टीचर रखते ही हैं। तो हाई स्कूल में ऑप्शन है जॉब अपॉर्चुनिटी का। देन कम टू नेक्स्ट, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सीनियर सेकेंडरी स्कूल मतलब आप जहाँ पे 11th 12th में आ गए। गाइज आज हर CBSE स्कूल में ऑलमोस्ट 90-95% फिजिकल एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट है, थ्योरी और प्रैक्टिकल भी। तो वहाँ पे आपको एक फिजिकल एजुकेशन टीचर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी कोई नॉर्मल ये छोटे एलिमेंट्री स्कूल की तरह ये कोई भी टीचर थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ा देगा ऐसा नहीं होता है। उसके लिए एक प्रोफेशनल मास्टर डिग्री टीचर चाहिए चाहिए फिजिकल एजुकेशन, जिसको पूरी नॉलेज हो। तो उनके साथ साथ वो उनके जो 11th 12th का फिज़िकल एजुकेशन का थ्योरी भी होता है उसको प्रैक्टिकल भी देखते हैं, उनका गेम्स भी देखते हैं, और इंटर स्कूल जो कॉम्पिटिशन है वो भी देखते हैं। ये सब आता है सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में। देन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो कॉलेज में बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं हमारे पास, बहुत सारे। जैसे CPED होता है, सर्टिफिकेट कोर्स होता है फिज़िकल एजुकेशन का, डिप्लोमा कोर्स होता है, देन बैचलर डिग्री जिसे BPED बोलते हैं हम, योगा में हो सकता है, MPED होता है मास्टर डिग्री इन फिज़िकल एजुकेशन, MA इन फिज़िकल एजुकेशन। तो बहुत सारे इन ये जो कोर्सेज हैं इनमें टीचर चाहिए होते हैं, और वो कोई भी टीचर नहीं रख सकते हैं। इसके लिए उनको फिज़िकल एजुकेशन का बैकग्राउंड का टीचर ही चाहिए। देन आप PhD की बात करें उसमें भी, देन आप नेट की बात करते हो नेट के लिए भी क्वालिफाई करके उसमें टीचर जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल कॉलेज हैं जहाँ पे टीचर चाहिए होते हैं, उनमें अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, रिसर्च होती है उसमें, स्पोर्ट्स के रिलेटेड रिसर्च होती है, वहाँ पे स्पोर्ट्स टीचर चाहिए या फिजिकल एजुकेशन टीचर चाहिए। टेस्ट एंड मेजरमेंट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की बात करें तो स्पोर्ट्स के बारे में, तो उसके लिए फिजिकल एजुकेशन टीचर चाहिए। स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स मेडिसिन, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, यहाँ पे टर्म्स आपको थोड़ा बायो से रिलेटेड मिलेंगे, बट हाँ ये स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको फिजिकल एजुकेशन जो टीचर होगा, बैकग्राउंड होगा, वही टीचर चाहिए। तो अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे आते हैं, अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है, तो बहुत सारे ऑप्शन आपको उसमें खुल जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, कोचिंग कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। कोचिंग आप कहाँ कहाँ पे दे सकते हो एज अ फिजिकल एजुकेशनिस्ट। अब कोचिंग की बात आते हैं तो मिडिल स्कूल में आप ऐसा कोच बन सकते हो, हाई स्कूल में आप ऐसा कोच बन सकते हो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप ऐसा कोच बन सकते हो, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल भी कोच बन सकते हो। इसके लिए आपको कोचिंग के लिए आपको NIS से जो कोर्स होता है एक NIS का, वो आपको करना पड़ेगा। ऐसा कोचिंग का अलग से कोर्स होता है, तो उसमें भी फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो जाते हैं। तो वहाँ पे आप इन स्कूल्स में भी आप ऐसा कोच बन सकते हो। देन आप जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वहाँ पे भी आप ऐसा कोच जॉब कर सकते हो, अलग अलग प्रोफेशनल टीम्स हैं उनके कोच बन सकते हो, स्पोर्ट्स क्लब हैं, प्राइवेट इंटरप्राइजेज हैं, पब्लिक सेक्टर्स हैं, इवन वहाँ भी आप कोच बन सकते हो। अगर आप प्राइवेट इंटरप्राइज किसी इंडस्ट्री में देखना, वहाँ उनके भी अपने स्पोर्ट्स होते हैं, वहाँ पे भी एक कोच रखते हैं वो। देन बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं, ONGC हो गया, एयर इंडिया हो गया, इनके भी अलग से गेम्स स्पोर्ट्स होते हैं, PNB हो गया, SBI, इनके भी अलग से स्पोर्ट्स और गेम्स होते हैं, तो वहाँ पे इनको क्या ज़रूरत पड़ती है कोच की, तो वहाँ पे भी आप कोचिंग कर सकते हो। और अगर आपका आपने कोर्स पूरा किया अपने कोचिंग का, तो आप अपनी एक एकेडमी भी खोल सकते हो, जो कोचिंग इन नॉन स्कूल सेटिंग लाइक स्पोर्ट्स एकेडमीज। आप स्कूल्स में भी अपनी एकेडमीज खोल सकते हो, अगर प्रोफेशनली आप बाहर भी अपनी एकेडमी खोल सकते हो, तो कोचिंग के बहुत सारे ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं आपको। देन नेक्स्ट आपका आता है परफॉर्मेंस रिलेटेड कैरियर। वहाँ पे कैरियर जहाँ पे आपका परफॉर्मेंस आपको देना है, वेयर यू हैव टू शो योर परफॉर्मेंस। तो दो टाइप के इसमें आते हैं, एज अ प्लेयर आप परफॉर्म कर सकते हो या एज अ ऑफिशियल आप परफॉर्म कर सकते हो। पहले बात करते हैं एज अ प्लेयर की। प्लेयर अगर आप स्कूल लेवल से ही कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप किसी गेम में खेल रहे हो, तो जब आगे क्रॉस करोगे, आप एजुकेशन कंप्लीट करोगे, आप प्रोफेशनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जाओगे, अपने किसी भी आपका जो पर्सनल गेम है तो उसमें अपने आप परफॉर्मेंस देते हो,
उसमें आप अपनी परफॉर्मेंस दोगे एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में, एज अ प्रोफेशनल प्लेयर में। तो आप अलग अलग टाइम पे अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हो, चाहे स्कूल में इंटर स्कूल हो रहा है या कॉलेज लेवल पे कोई टूर्नामेंट हो रहा है, कंपटीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, इवन ओलंपिक गेम्स में भी कोई पार्टिसिपेट करता है, वहाँ पर भी उसको अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। तो एज अ प्लेयर आप कहीं भी परफॉर्मेंस दे सकते हो जहाँ जहाँ आपने आप पर्सनल स्पोर्ट्स और गेम्स में आप खेलोगे। अब नेक्स्ट आता है एज अ ऑफिशियल। एज अ ऑफिशियल भी आप अपनी परफॉर्मेंस दोगे, कैसे, जो ऑफिशियल्स होते हैं, रेफरीज, अंपायर्स, ये सब होते हैं, तो उनको भी अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। कोई भी मैच चल रहा है तो वो अपनी परफॉर्मेंस देंगे, उस गेम को अच्छे से कंडक्ट करेंगे विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस। कोई भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है उसका प्रॉपरली कंडक्ट कौन करवाता है, उसको रेफरीज या अंपायर्स या ऑफिशियल्स करवाते हैं विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशन। अब इसमें आप एज अ रेफरी भी ऑफिशियल बन सकते हो, अंपायर भी ऑफिशियल बन सकते हो, टाइम कीपर भी बन सकते हो, लाइन मैन बन सकते हो, रिकॉर्डर, स्कोरर, बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें। तो इसमें एज अ ऑफिशियल्स आप अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हो। तो ये भी एक अच्छा कैरियर है स्पोर्ट्स एंड गेम्स में एज अ फिजिकल एजुकेशनिस्ट। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कैरियर्स। एडमिनिस्ट्रेशन में भी एज अ फिजिकल एजुकेशन कैरियर है। अब कैसे है कि स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अब जो कॉलेज और जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इनमें डिपार्टमेंट्स होते हैं फिजिकल एजुकेशन के अपने, तो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, उसमें आप HOD बन सकते हो उसके। अगर आप HOD किसी एक डिपार्टमेंट का होता है, डिपार्टमेंट कौन सा है, फिजिकल एजुकेशन, तो उसका जो हेड HOD है तो वो कौन बनेगा, किसी और सब्जेक्ट का तो बन नहीं पाएगा, तो वो बनेगा कौन, इस फिज़िकल एजुकेशन से जो बैकग्राउंड होगा वो ही इसमें क्या बनेंगे, हेड बनेंगे। तो यहाँ पे भी एक आपके पास ऑप्शन है कि इसमें कैरियर बना सकते हो आप HOD ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं। देन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, हर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ पे भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, तो उसका डिपार्टमेंट का जो लीड करेगा वो कौन करेगा, जो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से होगा या जो फिजिकल एजुकेशन बैकग्राउंड से होगा। तो वहाँ पे भी अलग अलग पोस्ट होती हैं, डायरेक्टर बन सकते हो स्पोर्ट्स के, कुछ भी बन सकते हैं, यहाँ पे बहुत अलग अलग बहुत सारी पोस्ट्स होती हैं, तो वहाँ पे भी एज अ करियर आपके पास बिल्कुल यहाँ पे है। देन इसमें नेक्स्ट आता है आपका स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजमेंट। अब स्पोर्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट जहाँ पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे आपके किसी के जिम्स हो गए, जिमनाजियम हो गए, फिटनेस सेंटर होते हैं, स्टेडियम्स होते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एक्वाटिक सेंटर्स, एक्वाटिक मतलब यहाँ पे जो वाटर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसमें कैसा बना सकता हूँ कि जो एक्चुअली कुछ होती हैं जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं स्पोर्ट्स की, जब वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको उसी गेम्स एंड रिलेटेड या प्रोग्राम से या स्पोर्ट्स से या कोई भी गेम है तो उससे रिलेटेड वहाँ पे कोचेस रखने पड़ते हैं, उनको जो उनकी गेम की मेंटेन करते हैं, उनको कंडक्ट करते हैं प्रॉपर। तो वहाँ पे भी आप ऐसा कोच लग सकते हो, वहाँ जो भी खेलते हैं गेम्स वहाँ पे उनको आप सिखा सकते हो, वहाँ पे आपके अंडर में वहाँ पूरा चलता है। देन आप यहाँ पे आता है नेक्स्ट इंडस्ट्री रिक्रिएशन। आजकल देखा होगा आपने कि थोड़ा मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए कोई ना कोई गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराती हैं। तो उसमें भी क्या होता है, जो वो कंपनीज़ होती हैं अपने प्रोफेशनल कोचेस रखते हैं, उनको सिखाते हैं, उनके जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के साथ अलग अलग कंपनियों के साथ मैच होते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एयर इंडिया हो गया, ONGC, PNB, SBI, इनके आपस में मैचेस होते हैं सबके, तो उनमें भी उनको क्या चाहिए थे, प्लेयर्स चाहिए, तो प्लेयर्स के लिए कौन चाहिए, कोचेस ज़रूर चाहिए। तो वहाँ पे कि आपके पास क्या है, एक ऑप्शन है एज अ कैरियर फिजिकल एजुकेशन का। अब नेक्स्ट जो आता है आपका क्या कैरियर है, कैरियर इन कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया में कौन कौन से कैरियर हो सकते हैं, तो फर्स्ट है यहाँ पे स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में क्या होता है कि आप जर्नल्स लिखते हो, न्यूज़पेपर, मैगजीन या न्यूज़ या वेबसाइट के लिए अपने कॉलम्स लिखते हो, तो इसमें भी आपका कैरियर एक है। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड की एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और वो नॉलेज किसको होगी, जो उस बैकग्राउंड से होगा, तो वो कौन होगा, स्पोर्ट्स पर्सन या फिजिकल एजुकेशन, वही इसके डिटेल में लिख सकते हैं। तो वो आजकल जैसे ज़्यादा क्रेज़ बढ़ रहा है स्पोर्ट्स मैगजीन्स का, नेट पे जो स्पोर्ट्स आर्टिकल लिखे जाते हैं, कॉलम्स लिखे जाते हैं, तो इसमें भी आप अच्छा खासा एक एप्स का कैरियर बन सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें एक बुक रीडिंग एंड बुक राइटिंग। आप इसमें अगर आप अच्छी नॉलेज है आपकी फिज़िकल एजुकेशन की, तो आप इसमें एक बुक लिख सकते हैं अलग अलग जो सब डिसिप्लिन आते हैं इसमें। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में अपने मैंने वीडियो में बताया था कि स्पोर्ट्स जो फिज़िकल एजुकेशन है वो एक, उसमें बहुत सारे वास्ट अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं। आप ये मत सोचना कि स्पोर्ट खाली फिजिकल एजुकेशन में कि स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स कुछ बताएंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बायो मैकेनिक्स होता है इसमें,
जो फोर्सेस बायोमैकेनिक्स मतलब जो हमारे फोर्सेस लगते हैं हमारे बॉडी पर, उनका रिजल्ट क्या है, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी होता है, स्पोर्ट्स मेडिसिन, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स हैं कैसे वर्क करते हैं, फंक्शन कैसे करते हैं, रिसर्च मेथड आता है इसमें, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आता है, स्पोर्ट्स फिलोसफी, स्पोर्ट्स पेडागॉजी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ये बहुत सारे इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट्स हैं, ये बहुत वास्ट है, सब मिक्सचर है, तो इनके ऊपर भी आप बुक लिख सकते हो अगर किसी का अच्छा बैकग्राउंड है फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स का। नेक्स्ट आता है इसमें स्पोर्ट्स फोटोग्राफी। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी मतलब जो स्पेशलिस्ट होते हैं कि फोटोज़ लेने के लिए, अब ऐसा इसमें ये नहीं है कि फोटोग्राफ इसको गेम चल रहा था हम उसका एक फ़ोटो लेके वहाँ डाल देंगे, नहीं, जो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी होते हैं उनको हर एक टेक्निक पता होगी गेम्स की, कि हाँ कब पुल शॉट है तो उसी का फ़ोटो खींचना है, ऐसा नहीं कि आपने कवर ड्राइव का शॉट है तो उसको लगा दिया, नहीं, तो बहुत सारे होते हैं इसमें कि अच्छे अच्छे जो टेक्निक्स होती हैं कबड्डी, खो खो, डाइविंग, तो स्पोर्ट जो फोटोग्राफर होता है उसको पता होता है कि कब एक फ़ोटो लेनी है, कैसी फ़ोटो लेनी है, कौन से टेक्निक पे लेनी है, प्लेयर की फ़ोटो कब लेनी है, चाहे वो किसी भी गेम्स इन स्पोर्ट्स में होगा, तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखा जाता है, इसके ऊपर भी एक अच्छा खासा कैरियर है इसमें। देन आता है आपका बुक पब्लिशिंग, तो बुक पब्लिशिंग भी इसमें क्या होता है कि आप बुक्स पब्लिश कर सकते हो अपने बुक पब्लिशिंग में ये है कि आप अगर आप फिज़िकल एजुकेशन के बैकग्राउंड के हो तो आप बुक पब्लिश करते हो, जैसे आपकी सरस्वती की बुक है और किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक होती है, तो वो कौन पब्लिश करेगा, कौन लिखता है, वो जिसको नॉलेज होगी फिज़िकल एजुकेशन की वही इसमें लिख सकते हैं, तो एक कैरियर इसमें भी है। देन आपका आता है स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग सबको आपको पता ही है, जो टेलीकास्ट होते हैं, जो स्पोर्ट्स के ब्रॉडकास्ट होते हैं, जैसे स्टार स्पोर्ट्स हो गया, टेनिस स्पोर्ट्स अलग अलग है, स्टार क्रिकेट पहले था, तो इसमें भी आपकी एक अच्छी खासी कैरियर बन सकता है, बिकॉज उसको रिकॉर्ड करने के लिए, ब्रॉडकास्ट करने के लिए स्पोर्ट्स पर्सन ही स्पेशलिस्ट चाहिए, उनको अच्छे से पता होना चाहिए क्या स्किल्स, टैक्टिक्स, रूल की, गेम की स्ट्रेटजी, रूल्स कैसे, ऑफिशिएटिंग के टेक्निक उनको पता होना चाहिए, क्योंकि उनको हर ब्रॉडकास्टिंग में हर चीज़ डिस्क्राइब करनी पड़ती है, क्या इन्होंने प्लानिंग करी थी यहाँ पे, क्या उनकी टैक्टिक्स हैं, क्या उनके टेक्निक्स हैं, तो ये सब ब्रॉडकास्टर को पता होना चाहिए, तभी उसको एक प्रॉपर ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो ये सब थे इसमें कैरियर्स इन फिज़िकल एजुकेशन, बहुत सारे कैरियर्स बताए मैंने आपको, तो गाइस आई होप सो समझ में आएगा आपको वीडियोस बिल्कुल, और उसके बाद आप बिल्कुल इसको ध्यान से देखिए एक बार, और दोबारा कोई प्रॉब्लम होती तो आप बिल्कुल कमेंट में मेंशन करिए, मैं उसको बिल्कुल सॉल्व करूँगा। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल।